रांची की चिरौंदी बस्ती में झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस ने राजीव गांधी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जहां 16 डॉक्टरों की टीम ने बस्ती के सैकड़ों ग्रामीणों का निशुल्क जांच किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और झारखंड प्रभारी जरिता लैथफ्लांग ने कहा कि इस कैंप को शुरू करने के लिए प्रोफेशनल कांग्रेस एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों के बीच जाकर लोगों का ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम की गवर्नमेंट है जो और हम प्रतिबद्ध है कि हम लोगों का सेवा करें, और प्रोफेशनल कांग्रेस एक माध्यम है जो जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और हेल्थ कैंप जो है ये हमारे तरफ से एक शुरुआत है, और आने वाले दिनों में हम और लोगों के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से ज्यादा तरीके से मदद कर सकें। इधर झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि राज्य स्तरीय राजीव गांधी मेगा हेल्थ कैंप की शुरुआत रांची से की गई, जिसके बाद रांची के 52 वार्ड में इस कैंप का आयोजन किया गया। आज से राजीव गांधी मेगा हेल्थ कैंप का शुरुआत हम लोगों ने रांची से किया है, जो कि रांची के 52 वार्ड में चलेगा। उसके बाद पूरे प्रदेश में लोकसभा वाइज हम लोग राजीव गांधी मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करते आएंगे। एक प्रोफेशनल कांग्रेस एक मकसद के साथ यहां काम कर रहा है कि सुखी कैसे बनाया जाए, लोगों को समृद्ध कैसे बनाया जाए। उसके लिए स्वास्थ्य और स्वस्थ होना ज़रूरी है लोगों को, तभी समृद्ध होंगे लोग। इसी उद्देश्य के साथ और दृष्टि दोष रहित झारखंड बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने ठाना है, जो कि हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के जितने भी डॉक्टर्स हैं कमेटी में प्रतिबद्ध हैं सेवा करने के लिए, ताकि और जो रांची से हम लोगों ने शुरुआत की है उस जिला वाइज हम लोग मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करते रहेंगे। कैंप में सेवा दे रही डॉक्टर निशा मिश्रा ने कहा कि इस कैंप में लोगों का निशुल्क जांच किया जा रहा है, साथ ही लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कैंप के माध्यम से कोशिश की जा रही है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। यहां हम कोशिश कर रहे हैं जितने ज्यादा लोगों को सर्विस दे पाए। हम साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारा ये पूरा फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का कैंप लगा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचाएं। और ये बिल्कुल मुफ्त है, और ऐसा नहीं है कि आज सेवा दे दिए कल चले जाएंगे। हमारा फॉलोअप भी फ्री रहेगा, मेडिसिन्स भी फ्री है, काउंसलिंग सेशंस भी फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या है ना, लोग कोरोना से भले ही ग्रसित ना हुए हों, लेकिन उसका असर हर एक इंडिविजुअल पर पड़ा है, तो परेशानियाँ बहुत है, मानसिक रूप से बहुत परेशान है लोग। तो इसके लिए हम लोग जितना हो सके काउंसलिंग मेडिसिन हर रूप से तैयार है मदद करने के लिए। ये अलग अलग फैकल्टीज़ हैं हमारे, गाइनो हैं, ENT हैं, डेंटल है, हम फिजिशियन से लेके हर एक डोमेन्स में फोकस कर रहे हैं कि लोग जिनको जिस चीज़ की समस्या है, औरतों है, तो हर लोग अपनी कंप्लीट इवैल्यूएशन कराए। ये नहीं कि आप कुछ भी आए कोई भी सजेशन देके जा रहा है, ऐसा नहीं। हमारा पूरा सेटअप है, AIPC पूरा सेटअप लगाया है कि आपको जो परेशानी है आप वो परेशानी का समाधान यहाँ पा सकते हैं। वहीं इस कैंप में आई एक ग्रामीण महिला ने बताया कि इस इलाके में कैंप लगने से यहाँ के लोगों को काफी राहत मिली है। बीमारी होने पर लोगों को बाहर की ओर जाना पड़ता था, लेकिन कैंप के यहाँ लगने से इस इलाके के सभी गरीब, बुजुर्ग, महिला और बच्चों का निशुल्क जांच किया गया, साथ ही फ्री में दवाइयां भी दी गई। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं सबका कि सबको हम लोग को मदद हुआ, इसी बहाना कि दो पैसा बचे हम लोग का, है ना। यही दवाई के लिए भी कितना पैसा हम लोग को लग जाता है ना, इसीलिए आदमी चाह के भी आदमी नहीं कर पाता है, समझे ना। सोचता है कि जाएंगे तो ना पैसा लग जाएगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, कुछ दवा खा लेंगे ठीक हो जाए, समझे ना। लेकिन यहाँ बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सबको मदद हुआ। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर कर्जा, 1 रुपया में माफ करा ले।